आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है स्केयर रूट, मतलब हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में स्केयर रूट फाइंड करना है। तो स्केयर रूट के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। तो हम लोग पहला मेथड आज स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट वाला कैसे ना, यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन क्या है, 4x² - 12xy + 9y². तो इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, 4x को लिखा, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्केयर, और साथ x और दोनों के स्केयर को बाहर ले गए हैं हम लोग, ठीक है इस तरह। उसके बाद आप लोगों ने मिड टर्म को लिखना है, लास्ट टर्म को 9 को लिखा, 3y का स्केयर, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख लिया, अब मिड टर्म को कैसे लिखना है, ये माइनस का साइन ऐसे ही, और 2 फर्स्ट टर्म लिखी, सेकेंड टर्म लिखी, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या आ रही है, 2x, तो 2x लिखा, यहाँ 3y आ रहा है तो 3y लिख लिया। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ये वाली साइड हमें दी हुई है, हम ये वाली फाइंड करने लगे, मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग इसको a माइनस बी, मतलब हम इसको क्लोज करके होल स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो होल स्केयर फॉर्म में लिख लिया, 2x माइनस 3y का होल स्केयर। अब यहाँ पे होल स्केयर आ गया, अब हमने क्या करना है, स्केयर रूट ले लेना है इसका, इस एक्सप्रेशन का स्केयर रूट लिया। स्केयर रूट लेने के बाद ये क्या, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस माइनस 2x माइनस 3, ये इसका क्या आ गया, इस एक्सप्रेशन का स्केयर रूट। अब हम लोग इसका सेकेंड वाले पार्ट में देखें, एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x स्केयर। तो इसको वैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिखा x का स्केयर, अब मिड टर्म नहीं लिखनी, लास्ट टर्म लिखी 1 ओवर 4 को लिखा 2x और बाहर स्केयर ले गए दोनों का। अब मिड टर्म कैसे लिखनी है, माइनस ये 2 ऐसे ही, और फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 1 ओवर 2x, ये लिख लिया। अब इसको सेकेंड वाली आइडेंटिटी फिर से यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर, तो a माइनस बी के होल स्केयर से इसको हम लोगों ने कंबाइन क्लोज कर लिए, x माइनस 1 ओवर 2x का होल स्केयर, ये आ गया। अब स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेने के बाद स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस x माइनस 1 ओवर 2x, ये इसका क्या आ गया, स्केयर रूट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट सेम जैसे ऊपर वाले दोनों पार्ट मैंने करवाए थे, सेम वैसे ही है, वो आप लोग खुद करेंगे। फोर्थ वाला पार्ट इसका मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करना है, पहले इसकी क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, इधर 4 आ रहा है ना, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्केयर, और बाकी सारी ये टर्म, ये दोनों टर्म्स ऐसे ही हैं। इसके बाद 9 को हम लोगों ने लिख लिया 3 का स्केयर, ये आ गया। उसके बाद देखें, दो टर्म्स हैं दोनों की सेम पावर, मतलब दोनों का स्केयर आ रहा है, तो दोनों को हम ब्रैकेट में लिख के बाहर स्केयर ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट टर्म को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 * a - b, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया और दोनों का स्केयर यहाँ बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, अब मिड टर्म हम लोगों ने कैसे लिखनी है, माइनस 2 लिखेंगे, 2 लिखा, और फर्स्ट वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर आ रही है 2 * a + b, उसके बाद लास्ट वाला टर्म 3 * a - b, ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड वाले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे एक की जगह वैल्यू आ रही है 2 * a + b, बी की जगह वैल्यू आ रही है 3 * a - b, तो इन दोनों को माइनस का फॉर्म में लिख देंगे, 2 * a + b माइनस 3 * a + b और बाहर होल स्केयर। अब यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2a + 2b माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3b, यहाँ 2a और माइनस 3a इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का a आएगा, और 2b + 3b करेंगे तो 5b आएगा, और बाहर होल स्केयर ऐसे। और फिर स्केयर रूट लेंगे, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस -a + 5b, ये आ गया इस वाले एक्सप्रेशन का स्केयर रूट, ठीक है। इसी तरह इसके 5 वाले पार्ट में हमें दो एक्सप्रेशन डिवीजन फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इनको भी, इनका भी स्केयर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम लोगों ने 4 को लिख लिया 2 का स्केयर, और x 6 है पावर, बाहर हमें स्केयर चाहिए, ठीक है। तो 3 * 2 = 6 होता है, 3 अंदर लिख लिया 2 बाहर, और मिड टर्म भी ऐसे रहने दिए, लास्ट टर्म को भी ऐसे लिख लिया 9 को लिख लिया 3 का स्केयर, और y पावर 6 को हम लोगों ने लिख लिया 3 * 2, मतलब 3 * 2 = 6 होता है, 3 अंदर लिख लिया 2 बाहर। इस तरह नीचे भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 9 को हम लोगों ने लिख लिया 3 का स्केयर, x 4 था, 2 * 2 = 4 होता है, 2 अंदर और 2 बाहर।
और 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे प्लस 4 16 को लिख लिया 4 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर 4 वाई 4 था उसको 2 2 4 होता है तो 2 इंटू 2। अब हम लोगों ने दो टर्म्स हैं दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर दोनों का ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 2x क्यूब इंटू का होल स्क्वायर। इसी तरह लास्ट टर्म लिखेंगे 3 इंटू वाई क्यूब का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर बाहर लिखते हैं। अब मिड टर्म कैसे लिखनी है माइनस 2 और फर्स्ट टर्म क्या है ब्रैकेट के अंदर 2x क्यूब लास्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या 3y क्यूब वो दोनों लिख लिए। इसी तरह नीचे भी ऐसे करेंगे 3 का स्क्वायर और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है तो दोनों को हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे और दोनों का स्क्वायर बाहर लिख लिया। लास्ट टर्म लिखी 4 का स्क्वायर आ रहा है और वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है तो 4 इंटू वाई स्क्वायर अंदर लिख लिया दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया। मिड टर्म कैसे लिखनी है प्लस ये वाला ऐसे और 2 इंटू फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 3x स्क्वायर लास्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 4y स्क्वायर वो दोनों लिख दिए। अब यहाँ पे ऊपर वाले में हम लोग सेकेंड वाले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर a की जगह पे आ रहा है 2x क्यूब b की जगह पे आ रहा है 3y क्यूब जिन दोनों का स्क्वायर है तो उन्हीं दोनों के लिखेंगे और दरमियान में ये वाला साइन आ जाएगा माइनस का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म a की जगह पे क्या आ रहा है 3x स्क्वायर b की जगह पे क्या आ रहा है 4y स्क्वायर और दरमियान में ये वाला साइन प्लस का बाहर होल स्क्वायर। अब दो टर्म्स हैं दोनों का स्क्वायर आ रहा है तो दोनों का स्क्वायर रूट हम अब फाइंड हम लोगों ने स्क्वायर रूट करना है तो दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा इसका भी तो ये टर्म प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो आज हम लोग इधर तक ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने फर्स्ट से लेके फिफ्थ वाले पार्ट तक कर लिए। इसके बाद आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।